बहरहाल आगे बढ़ते हुए, एक तरफ विपक्ष का महागठबंधन है जो मुंबई में बैठक करने जा रहा है। माना जा रहा है इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि विपक्ष की इंडिया का झंडा कैसा होगा। साथ ही इस बात को भी पक्का किया जाएगा कि विपक्षी महागठबंधन का संयोजक कौन बनेगा। मगर इन सब से अलग बीएसपी को लेकर जो चर्चा चल रही है उसने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। चर्चा है कि विपक्ष बीएसपी को अपने साथ लाने की कोशिश में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बीएसपी महागठबंधन का हिस्सा बनी तो फिर उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। जो भी हो, फिलहाल महागठबंधन के बीच इस सवाल को लेकर चर्चा तेज है। यह रिपोर्ट देखिए। ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे। पार्टी जो नजदीक आई है, पहले आप देखते थे ज्यादा अलग अलग सुर में बोलते थे लोग, सारे लोगों को ऐसी सोच दे जो एक महागठबंधन बन के आए और यह ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए। तो क्या मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने जिस दावे के साथ कुछ और पार्टियों के इंडिया गठजोड़ में शामिल होने का ऐलान किया था, वो दावा हकीकत बन सकता है? क्या अकेले चुनावी जंग में उतरने का ऐलान करने वाली बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मन बदल सकता है? ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले ये बात सामने आई है कि गठबंधन के कुछ नेताओं ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि मायावती ने यूपी की 80 में से 40 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी का दावा किया है। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक में मायावती की इस मांग पर चर्चा की उम्मीद है। और इस बैठक से पहले बीएसपी सांसद मलूक नागर इंडिया गठजोड़ के एकजुट रखने का फॉर्मूला भी सुधार रहे हैं। विपक्ष को एकजुट रखने के लिए मायावती को मनाने की बात कह रहे हैं। ये इस तरीके से देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बात आती है तो आप पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पे करोड़ों की घोटाले का आरोप लगाता है। दिल्ली में कांग्रेस के लोग कहते हैं मीटिंग हुई है और हम 7 की 7 सीट पे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सपा और आरएलडी का गठबंधन 2-3 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। यही स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह है, महाराष्ट्र में भी। अभी तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोगों को ऐसी सोच दे जो एक महागठबंधन बन के आए और ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए, जिससे कि जब फिर चुनाव हो सकता है, नहीं तो ये सारे आपस में लड़ के मर जाएंगे, कुछ होना हाना है नहीं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ साथ आने की बात कहने में कितनी भी आसान लगे, सियासी गुणागणित उतना सीधा नहीं है। क्योंकि अगर बीएसपी इंडिया का हिस्सा बनती है तो एसपी कांग्रेस आरएलडी के बीच सीट बंटवारा बेहद जटिल होगा। किसी भी पार्टी का अपने दावे से पीछे हटना आसान नहीं होगा। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। और तो और, पटना पहुंचे आकाश आनंद ने बिहार सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। जहां पर हर जाति और धर्म बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भाव। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहाँ बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ ओबीसी विरोधी है बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज विरोधी भी है। विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा कवायद कर रही कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझ रही है, इसलिए हर हाल में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की वकालत कर रही है। पब्लिक का इतना दबाव पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों पर, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों पर, सबको नजदीक आना ही पड़ेगा। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, जनता दबाव बनाएगी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं। दबाव बना चुकी है, इसीलिए सब पार्टियां एकजुट हुई है। पार्टियां एकजुट जो नजदीक आई है, पहले आप देखते थे ज्यादा अलग अलग सुर में बोलते थे लोग, सुर अलग था सब पार्टियों का, धीरे धीरे सब पार्टी एक हुई है। लेकिन अपील कुछ भी हो, दलील कुछ भी हो, मायावती फिलहाल दोनों पालों से दूर हैं और अपनी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में बीएसपी को लेकर आ रही खबरों पर बीजेपी इंडिया गठजोड़ पर तंज कस रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि और भी लोग ज्वाइन करेंगे। जो पटना गए थे उसमें से कई लोग छिटक गए, एनसीपी बट गई,
जो बड़ी सूत्रधार थी, और कितनी भी कोशिश कर लें आएंगे तो मोदी जी ही। सबको मालूम है आजकल जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंबई में विपक्षी गठजोड़ की तीसरी बैठक की तैयारी जोरों पर है, एजेंडा सेट है, कई अहम ऐलान का भी प्लान है। अगर इस बैठक में बीएसपी को लेकर कुछ बात बढ़ती है तो सियासी हलचल बढ़ना भी तय मानिए। आज तक ब्यूरो।